हाय फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है और लगभग 3 बजे हैं और हमारे यहाँ अभी बहुत ज़ोरों से बारिश हुई थी। तो मैंने यहाँ पे मेरे जो ये शेड गार्डन में जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स तो नहीं पर कुछ प्लांट्स जिनकी मिट्टी सूख गई थी और जिनके पत्ते थोड़े से डल लग रहे थे, तो उनको मैंने बारिश में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और बारिश अभी थम गई है और मैंने फिर से उन पॉट्स को अरेंज कर दिया है। कुछ पॉट्स यहाँ वहाँ मैंने चेंजेस भी किया है, वैसे चेंजेस करते रहना चाहिए, तब नयापन आता है। तो ये देखिए, ये मेरा एग्लोनीमा का प्लांट कितना हरा भरा हो गया है। बहुत पत्ता इसका जो है डस्टी हो गया था, तो और मिट्टी भी इसकी सूख गई थी, तो अभी ये फिर से जी उठा है। और फ्रेंड्स, ये प्लांट मैंने आपको दिखाया था एंथुरियम क्रिस्टेलिनम, तो इसका जो ये नया पत्ता खिला था, ये देखिए ये अभी कितना बड़ा हो गया देखिए। और इसको भी मैंने बारिश में रख दिया था। और ये प्लांट मैंने आपको मेरे परचेज हॉल में दिखाया था। ये एक वैरायटी का फिडली फीग है और इसको मैंने रिपॉट कर दिया है। फ़िलहाल मेरे पास कोई फैंसी पॉट तो नहीं था, तो मैंने ये किचन का ही एक वेस्ट डब्बा था, इसको ही मैंने फ़िलहाल यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये पॉट इसके साइज़ के अनुसार बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट में हमें नए प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। तो ये पॉट वैसे मैं जो एक मेरे पास सेरेमिक का पॉट है थोड़ा बड़ा सा, तो इसके अंदर इस पॉट को मैं डाल दूंगी, तो ये प्लांट जो है ये पॉट जो है नहीं दिखेगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसकी ग्रोथ अच्छी करना चाहती हूँ, तो अभी मैंने इसको इंडोर में नहीं रखा है, अभी मैंने इसको बस यहाँ पे बाहर रखा है ताकि इसको बारिश वगैरह अच्छे से मिले और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चले। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाए हैं और इसके इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे कटिंग्स लेके प्रोपोगेट भी किया है और बहुत सारे लोगों को शेयर किया है मैंने ये प्लांट, तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और फ्रेंड्स, ये मॉन्स्टेरा का प्लांट जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, सुजाता जी ने, तो उस प्लांट को जो एक स्टेम दिया था मुझे उन्होंने, तो उस स्टेम को मैंने पानी में बहुत दिनों तक रख दिया था, तो उसमें बहुत अच्छे से रूट्स बनने लगे। और आज मैंने क्या किया, इसको इस प्लास्टिक के पॉट में लगा दिया। फ्रेंड्स, जो भी कुछ अभी मेरे पास अवेलेबल है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ नया मैंने ख़रीदा नहीं है, क्योंकि अभी बाहर जाना उतना पॉसिबल भी नहीं है और जाना ठीक भी नहीं है, तो बस घर पे जो सामान है उसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नया पत्ता जो है ये खिला है, अनफर्ल हो रहा है ये, और 7-8 दिन में शायद ये प्लांट स्टेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये प्लांट भी मुझे सुजाता जी ने दिया था, ये है। फ्रेंड्स, पहले तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये इसको मैंने बारिश में रखा था, तो बहुत ये मिट्टी इसमें चिटक गई, तो ये गंदा हो गया, बाद में मैं साफ़ करूँगी। और ये प्लांट भी मैंने बस 3 दिन पहले ही इसको मैंने रिपोर्ट किया है अच्छे से सॉइल में, कोकोपीट के सॉइल में। कोकोपीट में लगाने से रूट्स जो है बहुत अच्छे से फैलते हैं, इंडोर प्लांट्स के लिए कोकोपीट बहुत अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स, आपको क्या दिखाऊं मैं, बस फ्रेंड्स आज कुछ स्पेशल टॉपिक पे तो नहीं, बस ऐसे ही मैं आपको अपने प्लांट्स की अपडेट दे रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोपोगेशंस किए हैं, ये डेविल्स बैकबोन है ग्रीन कलर वाला, और ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना, ये एपिस्किया का कटिंग है। और ये प्लांट देखिए, ये प्लांट जो है इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये मेरा ऑर्किड का प्लांट, इसको भी बारिश में छोड़ दिया था मैंने। और ये देखिए, ये जेब्रीना कितना सुंदर हो रखा है ना,
इस जगह पे जो है बहुत ज़ोरों से इसमें पानी ऊपर से गिरता है, तो इसलिए मैंने इस प्लांट को पॉट को जो है थोड़ा सा आगे खिसका दिया है ताकि इसमें जो हैवी फ्लो है इसमें ना पड़े। वैसे ज़बरीना को बारिश की पानी बहुत पसंद है। और यहाँ पे मेरा ये देखिए कितना हेल्दी लग रहा है ना ये प्लांट, ये एग्लोनिमा का एक वैरायटी है, कितना सुंदर है देखिए फ्रेंड्स। ये मेरा एक कैलाथिया का प्लांट है जो ये लास्ट ईयर ही मुझे मेरे और एक सब्सक्राइबर ने दिया था। तो फ्रेंड्स वो एक प्लास्टिक के पॉट में लगा था, सेम इस तरह का एक पॉट था उसमें लगा था, तो मैंने इसको निकाल के इस मिट्टी के गमले में दे दिया क्योंकि इस प्लांट की अच्छे से ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि प्लास्टिक के पॉट के कारण पानी ज़्यादा ठहर रहा है और पत्ते भी पीले पड़ने लगे, मतलब पीले पड़ ही रहे थे, बीच बीच में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इसको मिट्टी के पॉट में डाल दूँ। तो अभी देखती हूँ इसका ग्रोथ कैसा चलता है। कैलाथियास जो है थोड़े से फिनिकी प्लांट्स होते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना होता है हमें इसकी वाटरिंग का, इसका लोकेशन का। देखिए ये मेरा और एक कैलाथिया है, कितना सुंदर लग रहा है ना, बारिश में इसको जैसे नहला दिया है मैंने, तो ये बहुत ही खिल उठा है। और एक कैलाथिया से मिलाती हूँ, ये देखिए ऑर्नाटा, ये जब भी सूख जाता है ना थोड़ा ड्राई जैसा लगता है, तब भी मैं इसमें बारिश होती है तो मैं इसको बारिश में रख देती हूँ तो फिर से ये फ्रेश हो जाता है। फ्रेंड्स ऐसे मैंने सारे प्लांट्स को ऐसे झुंड में रखा है, क्लस्टर में रखा है, एक दूसरे के साथ इनको सटा के रखा है ताकि इनको ठंडक मिलती रहे एक दूसरे से और गर्मियाँ ये बर्दाश्त कर पाए। और ये मेरा गोल्डन फर्न देखिए, इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। इस प्लांट से भी बहुत सारे प्लांट्स मैंने निकाल के मैंने शेयर किया है लोगों से। और ये मेरा और एक फर्न है देखिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में फ्रेंड्स, और मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कॉमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, सी यू फ्रेंड्स, गुड बाय।